वॉइस टीवी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूपी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय के RI हरिओम यात्रीकर अधिकारी दिनेश कुमार, रोडवेज परिवहन विभाग के ARMSSI तथा रोडवेज बस चालक परिचालक के और जनता को प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड पर चालकों और परिचालकों को यात्रियों के साथ COVID-19 से बचाव और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर RI हरिओम द्वारा बताया गया कि प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज रोडवेज बस स्टैंड पर COVID-19 के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और 26 परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। और बता दें, COVID-19 के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। सभी लोग COVID-19 का पालन करते हुए मास्क और सामान दूरी का पालन करें तथा लोगों को जागरूक करें। इस दौरान यात्री कर अधिकारी दिनेश कुमार द्वारा वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया, जिसमें 2 बसों के चालान किए गए और 26,000 रुपए वसूले। गाड़ियों के मौके पर चालान से डग्गेमार वाहनों में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों को सीट बेल्ट और मास्क हेलमेट लगाकर अपने वाहन चलाने के लिए प्रेरित किया। फिरोजाबाद से इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। आज का जो दिन था वो 5वां दिन सुरक्षा सप्ताह का था। उसके दौरान आज 3 कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह सबसे पहले जो हमारा फिरोजाबाद का रोड बस स्टैंड है, उसके ऊपर जो जितने भी चालक परिचालक और सवारियां थी, तो उनको रोड सेफ्टी प्लस COVID-19 के बारे में बचाव हेतु जो है सभी को समझाया गया और गाड़ी को चालकों को और परिचालकों को बताया गया कि गाड़ी को ले जाने से पहले उसको सैनिटाइज करना है। जब शाम को खड़ी करते हैं गाड़ी ला करके, बस को जो खड़ी करते हैं उसको फिर दोबारा से सैनिटाइज करना है और समय समय पर जो जब सवारियाँ चढ़ती उतरती हैं तो भी उनको जो है सैनिटाइज कराना है। उसके उपरांत दूसरी जो है इनका जो चालक और परिचालकों की वर्कशॉप लगाई गई, जिनके द्वारा एक वाहन चालकों का वाहन चालकों प्लस परिचालकों का मेडिकल चेकअप कराया गया सिकोआबाद रोडवेज में। उसके उपरांत अभी हमारे जो यात्रीकर अधिकारी हैं श्री दिनेश कुमार, उनके द्वारा जो अनाधिकृत जो वाहन चलते हैं वो 16 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें 2 वाहन जो है मतलब ठीक नहीं पाए गए, उनका जो है चलान किया, जिनसे 26,000 रुपये परिसर शुल्क वसूला गया।